अंततः प्रभु श्री राम के जन्म का समय आ गया। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राज प्रसाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। क्या हुआ ज्ञानदायिनी माता? फिर राजा दशरथ ने खीर के दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी केकई ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया और माता कौशल्या को प्रभु विष्णु जी के नर अवतार प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों रावण का संहार होगा। माता, क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रभु हरि का विरोध एवं उनका सामना करने का दुस्साहस करेगा? पुत्र, दस शीश धारण करने वाला दशानन रावण जन्म से अत्यंत बलशाली है। वेदों के समुचित ज्ञान ने उसकी शक्ति में और भी वृद्धि कर दी है। वो प्रकांड पंडित है। भगवान शिव के महान भक्तों में उनकी गणना होती है। बाबा भोलेनाथ से उसे अति प्रचंड खड़क चंद्रहास भी प्राप्त है। महापंडित, महान शिव भक्त, ये तो एक महान पुरुष के गुण है माता। हाँ पुत्र, जब इन गुणों का सम्मिश्रण दुष्टता एवं अहंकार से हो जाए तो व्यक्ति महादानव बन जाता है और इस महादानव रावण ने किसी भी शत्रु से स्वयं को सुसज्जित रखने के लिए मेरे स्वामी प्रभु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई नर या वानर ही उसका वध कर सके। परंतु वाली से हुए संघर्ष में पराजित होने और एक वानर से सामना होने के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि नर या वानर उसका संहार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। मृत्यु का भय उसे पुनः सताने लगा। पूर्व काल में प्राप्त उस वरदान से वो असंतुष्ट हो गया। फिर उसने क्या किया माता? उसने ठान लिया पुत्र कि वो अमृत प्राप्त कर अमृत्व को प्राप्त करेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर सदा जीवित रहेगा। इसी आशय से वो पुनः सृष्टि के सृजनकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। दशानन रावण,
अपने नेत्र खोलो वत। प्रणाम सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर आपका यह भक्त कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तपोबल से कंपित करने वाले तुम महान तपस्वी हो रावण। मैं तुम्हारी तपस्या अति प्रसन्न हूं। कहो, इस बार मुझसे किस वरदान की प्राप्ति करना चाहते? अमृत प्रभु, मात्र अमृत पाने की इच्छा है मेरी, जिसे पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। यह असंभव है। अमृत प्राप्ति का अधिकार तो पात्र देवताओं को, अपने तप और कर्म से ही वो इस योग्य बनते। अन्य कोई अमृत पान नहीं कर सकता, यही विधि का विधान। क्षमा करें प्रभु ब्रह्मदेव, परंतु आपके उन देवताओं से योग्यता में हीन कैसे है लंकेश दशानन रावण? समस्त वेदों का ज्ञानी हूं मैं, महादेव का परम भक्त हूं मैं, उन देवताओं से अधिक शक्ति संपन्न हूं मैं, और आपके ही कथन के अनुसार मेरा श्रेष्ठतम तपस्वियों में सर्वोच्च स्थान है। और फिर आपका परपोत्र भी तो हूं ना मैं, इसलिए प्रभु अमृत को मुझसे और मुझे अमृत से वंचित रखने का यह अन्याय आप कर नहीं सकते। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो अमृत पान कराइए मुझे। रावण, मुझसे अमृत प्राप्त करके भी तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। पात्रता के अभाव में तुम उसका पान नहीं कर सकोगे। मुझे बस इतना ज्ञात है प्रभु के अमृत चाहिए मुझे, अन्यथा अमृत से वंचित रहकर मैं और घोर तप करूंगा और फिर विवश होकर आपको मुझे अमृत देना ही होगा। यदि अमृत प्राप्ति की तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है कि तुम उसको पाने के बाद ही अपना तप समाप्त करोगे तो ठीक, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अमृत का वरदान दूंगा अवश्य, परंतु तुम अमृत का पान कर नहीं सकोगे और तुमको उसे अपने शरीर के किसी अंग में समाहित करना होगा। जब तक अमृत वहां रहेगा तभी तक तुम अमरत्व के सुख भोग सकोगे। उत्तम, अति उत्तम, धन्य हो गया दशानन रावण आपका ये वरदान प्राप्त करके प्रभु, धन्य हो गया। मैंने विचार कर लिया है प्रभु, आपका ये वरदान मैं स्थिर रखूंगा अपनी नाभि में। तथा रावण ने अमृत को अपनी नाभि में ही रखने का चुनाव क्यों किया? क्या उसका कोई विशेष कारण था? पुत्र, महाज्ञानी और महापंडित है रावण। उसे ज्ञात है वेदों द्वारा स्थापित युद्ध के नियमों के अनुसार नाभि या उससे नीचे अंगों पर वार करना वर्जित है। ऐसा वार करना घोर पाप माना जाता है, इसीलिए
अपनी नाभि में अमृत छुपाकर रखने से रावण और सुरक्षित हो गया, क्योंकि जो योद्धा उससे धर्मोचित युद्ध करेगा वो उसके उन अंगों पर कदापि वार नहीं करेगा और अमृत सदा उसके शरीर में स्थित रहेगा। परंतु अमृत पाने के पश्चात रावण निर्भिज्ञ, निशंक और निरंकुश हो गया। अपनी निरंतर दुष्कृतियों से वो राक्षसी शक्तियों का प्रसार कर रहा है, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऋषि मुनि घोर तप करते हैं तो वो उसमें व्यवधान डालता है। शकल जगह उसके आतंक से पीड़ित है हनुमान। माता, रावण का संहार करने के लिए प्रभु श्री हरि राम अवतार ले चुके हैं ना? हाँ पुत्र, किंतु स्मरण रहे रावण की मृत्यु नर या वानर के हाथों ही होनी है। वो नर प्रभु श्री राम है और वो वानर तुम हो हनुमान। समय आने पर तुम प्रभु श्री राम से मिलोगे, जब उन्हें तुम्हारे सहायता की आवश्यकता होगी तब पूर्ण निष्ठा से उनका सहायक बन उनके कार्य संपन्न करने का हर संभव प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम्हारे परम कर्तव्य से तुम्हें परिचित कराने और उसके प्रति तुम्हें प्रेरित करने के लिए ही मैंने विस्तार से प्रभु विष्णु जी के पूर्व अवतारों का वर्णन किया है। समय आने पर पूर्ण क्षमता से प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण करना। माता, प्रभु श्री हरि के ऐसी न्यारी लीलाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हनुमान आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। हनुमान, सदैव आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रख अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा, सदैव प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित रहेगा। कोटि कोटि नमन माता। निर्भय भव। प्रणाम माता। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस दिवलोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, रंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम त्रिदेवियों। एक साथ आप सबके दर्शन प्राप्त कर हनुमान परम सुख का अनुभव कर रहा है। कल्याण हो पुत्र, हम तुम्हें वरदान देकर तुम्हारे मान कर्तव्य की पूर्ति के लिए तुम्हें और समर्थ बनाए। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। ब्रह्मदेव,
हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वाह सखा, धन्यवाद माता पार्वती। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ भी स्थित होगे वहाँ धन और समृद्धि की वर्षा होगी। मेरे समान तुम सभी की आशा और भावी सुख के प्रतीक होगे और स्वयं प्रभु श्री नारायण की विजय पताका बनोगे। हनुमान पुत्र, भगवान शिव से तुमने ध्यान और हठ योग की शिक्षा प्राप्त की है और माता सरस्वती ने तुम्हें ज्ञान और भक्ति योग में परांगत बनाया। अब मैं तुम्हें कर्म योग का सार बताऊंगा। हनुमान, कर्म ही मनुष्य के भाग्य का आधार है, इसीलिए पुत्र अपने कर्मों से धर्म और सत्य की स्थापना करना और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करना। मैं तुम्हें वरदान देता कि तुम ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे और कालांतर में तुम्हारा इतना उच्च स्थान होगा कि तुम स्वयं ईश्वर रूप में पूजे जाओगे। ज्ञान विचाराया हो ध्यान, कर्म बली है कर्म प्रधान। श्रेष्ठ सदा जो कर्म धरे, सोई स्थापित धर्म करे। कर्म जगत में सबसे महान, हरि हनुमत को दे ये ज्ञान। अमृत वाणी गृहित कपी, कर्म के ऊपर जग है टिकी। धन्यवाद प्रभु। पुत्र, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो पुण्य स्थल काशी में अपनी निश्वर देह त्यागने वाली पुण्य आत्माओं को मुझसे प्राप्त होता है। सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र रा। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे। धन्यवाद भोले बाबा। राम 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 राम। राम।
ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗವಂದನ ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗವಂದನ ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣಿ ಅತಿ ಚಾತುರ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇಕು ಆತುರ ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣಿ ಅತಿ ಚಾತುರ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇಕು ಆತುರ ಪ್ರಭು ಚರಿತ ಸುನಬೇಕು ರಸಿಯ ಪ್ರಭು ಚರಿತ ಸುನಬೇಕು ರಸಿಯ ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾವನ ಬಸಿಯ हनुमत शंख को मुख से लगायो तीनहु लोक को दियो गुंजायो शुभ दिवस आरंभ भयो शंखनाद संकेत दियो नाद सकल जग ने ये सुनी सृष्टि भई जगत में स्थापन निश्चित सातों समुद्र की यात्रा कर लेता था। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम् अर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् साल के विशाल काय वृक्ष उसके व्यायाम के साधन थे। अपने हाथों से पर्वतों पर वार कर मुष्टि युद्ध का अभ्यास करता था वो। हे प्रांगण, प्रतीत होता है इस अति बलशाली बाली का बल तो कल्पना से भी परे है, जिसके कारण ये और भी दुतांत हो गया होगा। इस सुग्रीव का क्या हुआ स्वामी? क्या इस दुष्ट बाली ने उसे सुरक्षित रखा? सुग्रीव तो जैसे अपने अग्रज बाली का ही प्रतिबिंब था, उसी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। सुग्रीव पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित था। पूर्व काल के विपरीत अब बाली के प्राण अपने अनुज में वास करते थे। राम और लक्ष्मण की भांति जोड़ी थी इन दोनों भाइयों। प्रणाम वाली भैया। तो स्वामी, इन सब की उत्सुकता को शांत करने के लिए ये तो बताइए कि आगे क्या हुआ।
उसके बाद समय का चक्र अपनी अविरल गति से आगे बढ़ा और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। देवी तारा वाली की पत्नी बनी और सुग्रीव ने देवी रोमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भाग्य इन दोनों भाइयों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। एक दिवस जब किष्किंधा के राज्यसभा में उपस्थित वाली और सुग्रीव अपने राजकाज में व्यस्त थे, तब एक मायावी नामक राक्षस ने बड़ी उद्दंडता भरे स्वर में वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली, वाली, बाहर निकलो, वाली, वाली, बाहर निकलो, वाली, कहाँ हो तुम वाली? मायावी दुर्मत तुम्हें चुनौती देने आया है, मेरे भ्राता दुंदुभी के वधिक नीच वानर, साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रुको, वही अभी आता हूँ। स्वामी! स्वामी! बाहर खड़े होकर क्या मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो कायर? साहस है तो इस कंदरा में प्रवेश करके मेरे साथ युद्ध करो। आओ वाली, साहस है तो आओ। मायावी राक्षस! नहीं वाली भैया, नहीं, इस कंदरा के अंदर मत जाइए। यह अवश्य इस मायावी का कोई छल है जिसके कारण यह मायावी आपको कंदरा में प्रवेश करने के लिए उकसा रहा है। संभव है इस अंधकार में कंदरा में आसुरी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हो। भ्राता सुग्रीव, संभव है तुम्हें स्मरण नहीं होगा, यदि इस राक्षस की शक्तियां बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। मुझे मिले वरदान के अनुसार इसकी आधी शक्तियां मुझ में समाहित हो जाएंगी। मुझे स्मरण है वाली भैया, परंतु कुछ नहीं सुग्रीव, मैं जाकर उस दुष्ट को अभी मार कर लौटता हूँ। तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना। वाली तो अत्यंत शक्तिशाली था प्राण बल्लभ, इसीलिए उसने तो कुछ ही क्षणों में मायावी का वध कर दिया होगा। ये द्वंद युद्ध वाली के लिए भी कठिन था, क्योंकि मायावी दुर्मद उस काली कंदरा में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए ये युद्ध कई माह तक चला। सुग्रीव अपने अग्रज की आज्ञा का पालन करते हुए वहां लगभग एक वर्ष तक खड़ा रहा और उस कंदरा के भीतर उत्पन्न होने वाली इन योद्धाओं की क्रोध भरी हुंकार और पीड़ा युक्त चीत्कार सुनने को बाध्य हो गया। मायावी जब ललकारी, क्रोध से भर आए वाली, कंदरा माए युद्ध भयो, सुग्रीवा द्वारा पे खड़ो। बीत माह बीता सार, ऋतुएं चल रही अपनी चाल, सुग्रीव किंतु हटे नहीं, भ्रात्र प्रतीक्षा डटे रही। सुग्रीव, भ्राता सुग्रीव,
संभालिए अपने आप को, भ्राताश्री को कुछ नहीं होगा। स्वामी, भैया भैया ये तो असंभव है भैया, आप तो अजय हैं, आपका वध कैसे कोई कर सकता है? नहीं भैया नहीं। हमारे राज्य पर इस दुष्ट का आतंक मैं नहीं छाने दूंगा, इस कंदरा के मुख को मैं अवरुद्ध कर दूंगा ताकि ये दुष्ट बाहर ना आ सके। प्राणवल्लभ, इसका अर्थ हुआ वाली की मृत्यु के फलस्वरूप किष्किंधा ने अपना राजा खो दिया। देवी, कोई भी राज सिंहासन अधिक समय तक राजा विहीन नहीं रह सकता, इसीलिए सुग्रीव के लौटने पर प्रजा ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर स्थापित किया। परंतु उसे यह कहां ज्ञात था कि दीर्घ काल के लिए उसकी शांति भंग होने वाली है, क्योंकि सुग्रीव इस सत्य से अनभिज्ञ था कि उस युद्ध में वाली का अंत नहीं हुआ था, अपितु वाली ने मायावी का वध किया था। भ्राता सुग्रीव, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता उस मायावी असुर का वध करके लौट आया है। भ्राता सुग्रीव! कंदरा का द्वार बंद होना और सुग्रीव का यहां ना होना, अर्थात अवश्य ही सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। कपटी सुग्रीव! सुग्रीव! Anima.
कल्याण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे ये वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं, जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है, उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। उनके प्राणों को कोई क्षति नहीं होगी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। इतना सुखद आश्चर्य है वाली भैया। विश्वासघाती, मैंने तुम्हें उस कंदरा के समीप प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, परंतु पद लालच के वश में तुमने भ्रातद्रोह का नीच कृत्य किया है। मेरी ही घात का प्रबंध करके मेरे ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज, नहीं वाली भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरा विश्वास की कहने सुनने को शेष क्या रह गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुमको सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। नीच कपटी वानर! अब मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए स्वामी। वाली भैया, कपटी, लालची, विश्वासघाती, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो।
हनुमान। प्रणाम वाली भैया। इस मरकट के सम्मुख आने से मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? हनुमान, शत्रु तुम्हारा सामना करने के पूर्व असंख्य बार विचार करेगा और तुम्हारे सम्मुख आने पर भयाक्रांत हो जाएगा। वाली भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। मैं एक वर्ष तक उस कंदरा के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भैया, मैंने जब आपके स्वर में चित्कार सुनी और उस कंदरा के मुख से बहती हुई रक्त की धारा को देखा तो मुझे आभास हुआ तुम्हें आभास हुआ कि महानतम वाली परलोक से धार गया। इसीलिए तुम किष्किंधा लौटकर सर्वप्रथम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कपटी लालची, नहीं वाली भैया, तुम चले जाओ यहां से, मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो मरकट। सुग्रीव, मेरे मार्ग से हट जाओ मरकट। वाली भैया रुक जाइए, मैंने अपने गुरु सूर्यदेव को वचन दिया है कि मैं अपने भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करूंगा और अपने गुरु को दिए हुए वचन की मर्यादा मैं किसी भी मूल्य पर निभाऊंगा। भ्राता सुग्रीव, आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए, ऋष्यमुख पर्वत पहुंचिए आप। ये तुम क्या कह रहे हो मरकट? सुग्रीव, तुम कहीं नहीं जाओगे, छोड़ो मुझे। संकोच मत कीजिए भ्राता सुग्रीव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए आप, मेरा सुझाव मानिए, शीघ्रता कीजिए, जाइए जाइए भ्राता सुग्रीव, जाइए। सुग्रीव, प्रतीत होता है कि सुग्रीव से पहले मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मरकट। हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वाली भैया को युद्ध में उलझा कर रखना होगा, जिससे भ्राता सुग्रीव को समय मिल जाए और वो सुरक्षित ऋष्यमुख पर्वत पहुंच सके। वाली भैया की जितनी ख्याति सुनी थी
वो तो उससे कहीं अधिक बलशाली है। मैं तो यहां युद्ध में उलझा हुआ हूं, ज्ञात नहीं कि भ्राता सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पहुंचे कि नहीं। कदाचित उनको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, मुझे यथाशीघ्र उनके पास जाना चाहिए। रुक जाओ मरकट, सामना करो मेरा, अन्यथा जहां जाओगे वही आकर वध करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे भ्राता सुग्रीव का। भ्राता सुग्रीव, इसी दिशा से ऋषिमुख पर्वत समीप पड़ेगा, आप आगे बढ़ते जाइए। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। वाली जोहत सुग्रीव चाहो, तब कपीश ही प्राण बचायो, गिरि ऋषि चलिए भ्राता सुग्रीव पहुँचाए, दत्त वचन गुरुवर को निभाए, हनुमत अपने वचन के पालक, वीर प्रतापी राम के साधक, जय हो तुम्हारी श्री हनुमंत, तुम्हारा सुमिरन पीर का अंत। भ्राता सुग्रीव, हमें शीघ्रता करनी होगी, हम ऋषिमुख पर्वत की सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋषिमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। परंतु ऐसा क्या था प्राणवल्लभ जो वाली को ऋषिमुख पर्वत पर जाने से रोक रहा था? एक श्राप। असुर मायावी दुर्मत से पूर्व उसके अति बलशाली भाई विकराल असुर दुंदुभी ने वाली को चुनौती देने की भूल की। बल के अहंकार में दुंदुभी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और वो वाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए आ पहुंचा। वाली सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था, उसने अविलंब दुंदुभी की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के आरंभ से पूर्व दुंदुभी ने एक अत्यंत भयंकर जंगली वृषभ का रूप धारण कर लिया। महानतम वाली को चुनौती देने का एक ही परिणाम संभव है, मृत्यु।
अभी तो तुम आहत हुए हो, वाली तुम्हें तुम्हारे काल के पास भेजेगा। नरेश वाली, तुमने मेरे मदंग ऋषि के आश्रम को अपवित्र करने का अपराध किया है। उसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यदि ऋषि मुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मैं समझ गई प्राण वल्लभ, मतंग ऋषि के श्राप के कारण ऋषिमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण वह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां बाली सुग्रीव को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हाँ देवी, और वाली वहां तक पहुंच पाए उसके पूर्व हनुमान और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत की सीमा में प्रविष्ट हो गए। हताश वाली को रिक्त हाथ वहां से लौटने पर बाध्य होना पड़ा। इस बीच हनुमान और सुग्रीव निरंतर चलते चलते कलांत होकर पंपासुर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट रीछराज जामवन जी से हुई, जिनकी शरण में उन दोनों ने पंपासुर में रहने का ही निश्चय किया। और तभी हनुमान को एक असाधारण एवं अलौकिक आकर्षण का अनुभव हुआ। Thank you.
श्री राम जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान।